लीनियर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम विच फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम, जो नहीं फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। अब जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन होता है वो दो लॉज पे बेस्ड होता है। पहला लॉ ऑफ एडिटिविटी और दूसरा है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। जो लॉ ऑफ एडिटिविटी होता है वो क्या होता है? लॉ ऑफ एडिटिविटी मतलब मेरे पास एक सिस्टम है, मान लो यहां पे ऐसे सिस्टम, मैं जनरली इसको दे देता हूं x of t इनपुट, मुझे मिलता है आउटपुट में y of t। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें दो इनपुट ले लेने हैं। मान लो मैंने पहले लिया x1 of t, ध्यान से देखिएगा, और मुझे मिला यहां पे y of t। मैंने x1 of t, मुझे मिला y1 of t। मैंने यही सिस्टम लिया, सेम सिस्टम, और मैंने इसको दिया x2 of t इनपुट में, मुझे मिला y2 of t। अब मैंने इन दो आउटपुट्स को ऐड किया, वो क्या आएगा, y1 of t plus y2 of t, इतना तो क्लियर है। अब मुझे क्या करना है दूसरे केस में, मुझे सिस्टम ले लेना है सेम, मुझे क्या करना है, मुझे इसको इनपुट में देना है। अब मुझे इसको इनपुट में x1 of t नहीं देना है, मुझे इसको x1 of t देना है plus x2 of t, और ये इसके corresponding कोई output देगा, मैं मान लेता हूं वो y dash of t है। अगर मेरा y dash of t बराबर है y1 of t plus y2 of t, मतलब ये जो है ये इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं सिस्टम इज लीनियर, और अगर नहीं है बराबर तो मैं कह सकता हूं ये नॉन लीनियर सिस्टम है। इतना डेफिनेशन क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। जल्दी लिखियो। ओके, उसके बाद जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है वो एक और लॉ पे डिपेंड है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसमें हम मल्टीप्लाई, मान लो मेरे पास एक x of t है, मैंने ये सिस्टम को दिया तो मुझे y of t मिला। अब y of t को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा k से, मल्टीप्लाइड बाय k, तो मुझे मिलेगा k टाइम्स y of t। ये हो गया मेरा, मान लो मैं इक्वेशन ए मान लेता हूं, जो मेरा ये आएगा। उसके बाद दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, मैं पहले ही इनपुट को मल्टीप्लाई कराता हूं के से, तो वो क्या आएगा, के टाइम्स एक्स ऑफ टी, फिर उसको सिस्टम को दे देता हूं, तो वो कुछ आएगा, मैं के ऑफ एक्स ऑफ टी दिया मैंने सिस्टम को, आउटपुट पर मैं मान लेता हूं ये है वाई डबल डैश टी आउटपुट पे। अगर मेरा y डबल डैश t आया बराबर k टाइम्स y ऑफ t के, तो मैं बोलता हूं लॉ ऑफ होमोजेनिटी फॉलोज, और अगर नहीं आया बराबर k टाइम्स y ऑफ t के, तो मैं कह सकता हूं लॉ ऑफ होमोजेनिटी डज नॉट फॉलो। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर लॉ ऑफ अगर फॉर एग्जांपल हम चेक करेंगे क्वेश्चंस में लॉ ऑफ एडिटिविटी, अगर लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो करता है उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी फॉलो करता है। अच्छा, चेक करने की जरूरत क्या, अब अगर चेक भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था जिसमें आप लोगों को बहुत डाउट हुए थे,
देखो क्वेश्चन, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, देखो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज वाई ऑफ टी है बराबर, एक सेकंड वेट कीजिएगा, y of t है बराबर x of sin of t। देखो पहले समझना है मतलब क्या है इसका। देखो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका मतलब है अगर मैं इसको इनपुट में दे देता हूं x of t, ये मेरा सिस्टम है, मुझे आउटपुट पे मिलता है x of साइन ऑफ टी, मतलब जो यहाँ पे ये टी था, सॉरी ये यहाँ पे ये जो टी था इनपुट में, जो ब्रैकेट में था, वो चेंज हो गया अब साइन ऑफ टी से। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए कि मतलब हमें इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। अब क्या करूंगा मैं, अगर मैं एक्स वन दूंगा इनपुट में, एक्स वन ऑफ टी दूंगा इनपुट में सिस्टम को, तो मुझे क्या, ये टी हो जाएगा चेंज विद साइन ऑफ टी, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा एक्स वन साइन ऑफ टी। अब क्या करूंगा दूसरे केस में, दूसरे केस में यही सिस्टम लूंगा और इसको दूंगा एक्स टू ऑफ टी, मुझे आउटपुट में मिलेगा एक्स टू ऑफ साइन ऑफ टी। अब इन दो को मैं ऐड करूंगा, वो क्या आएगा, एक्स वन साइन ऑफ टी प्लस एक्स टू साइन ऑफ टी। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बराबर है वाई वन ऑफ टी और ये बराबर है वाई टू ऑफ टी, इन दो को मैंने ऐड किया, वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन, चैट बॉक्स में लिखो। फातिमा कहाँ है फातिमा, और भी एक लड़का था जिनको कंफ्यूजन था। यहां तक अगर क्लियर है, देखो अब दूसरा केस में क्या करना होता है, मुझे इनपुट्स को ऐड करना होता है, एक इनपुट मेरा ये है एक इनपुट मेरा ये है, दैट मीन्स अब जो मैं सिस्टम को दूंगा ना वो ऐसे दूंगा, इनपुट में क्या हो जाएगा, इनपुट में मेरा आएगा एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी। अब क्या करता है, ये जो हमारा सिस्टम है ये क्या करता था, जो ये आर्ग्यूमेंट में टी है इसको चेंज करता था साइन ऑफ टी में, यहां पे अब आएगा इस टी के बदले साइन ऑफ टी और इस टी के बदले भी साइन ऑफ टी, तो मुझे आउटपुट पे मिलेगा एक्स वन ऑफ प्लस एक्स टू ऑफ साइन ऑफ टी। इसको मैं रखता हूं y डैश ऑफ टी, इसको लिखेंगे सिंस y डैश ऑफ टी इज इक्वल टू y वन ऑफ टी प्लस y टू ऑफ टी, देयरफॉर द सिस्टम इज लीनियर। कितना क्लियर है, चैट बॉक्स में बोलिए। ये क्वेश्चन गोवा क्लियर, खासकर जिनको कंफ्यूजन था वो लिखिए। देखो ये तो यस मस्ट गो ना, ये लॉ होल्ड, मैंने कहा अगर ये लॉ होल्ड करता है तो आप लोग बोल सकते हो कि सिस्टम लीनियर है। अब अगर आपको नहीं, अब अगर आप बोलते हो नहीं सर हम देखना चाहते कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो रहा है या नहीं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या ली, के लिए मेरे पास सिस्टम था वाई ऑफ टी है बराबर एक्स ऑफ साइन ऑफ टी के, तो सबसे पहले क्या है, मैं इसका मतलब ये है मैं एक्स ऑफ टी दे देता हूं सिस्टम को, मुझे मिलता है एक्स ऑफ साइन ऑफ टी, फिर उसको मल्टीप्लाई कराना है के से, आउटपुट मिलेगा के इंटू एक्स साइन ऑफ टी, सॉरी ये है ऐसे।
उसके बाद दूसरे केस में क्या कराना है, पहले x ऑफ t को मल्टीप्लाई कराना है k से, तो क्या आएगा यहां पे k इंटू एक्स ऑफ टी, फिर दूंगा सिस्टम को, सिस्टम मेरा क्या करता है इस t को चेंज करता है साइन ऑफ t में, तो क्या आएगा के एक्स इंटू साइन ऑफ टी, हम देख सकते हैं ये बराबर है इसके, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द सिस्टम इज लीनियर। इसीलिए मैंने आपको बोला था आप सिर्फ लॉ ऑफ एडिटिविटी चेक करो, डिटेल लिख सकते हो, सिमिलरली लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑल्सो फॉलोज। अगर लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो नहीं करे, लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t स्क्वायर, x ऑफ t का स्क्वायर। देखो इसका क्या मतलब है, सिस्टम समझना मुझे क्या है, सिस्टम अगर मैं ये ना समझ गई, ये लाइन है, इसका मतलब मैं इनपुट में अगर x ऑफ t दूंगा मुझे आउटपुट में मिलता है x, और अंदर जो ये t है इसका स्क्वायर हो जाता है, इतना समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आया ना तो आपके लिए क्वेश्चन है ही नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, अब अगर मैं इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा y1 ऑफ t होता है तब जब मैं इसको x1 ऑफ t दे देता हूं, जब मैं यहाँ पे x1 ऑफ t दूंगा इनपुट में मुझे मिलेगा x1 ऑफ t का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली x1 ऑफ t का स्क्वायर। ऐसे ही y2 ऑफ t आएगा मेरा, जब मैं x ऑफ 2 दूंगा इनपुट में वो मिलेगा x2 ऑफ t का स्क्वायर, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t आएगा x1 ऑफ t का स्क्वायर प्लस x2 ऑफ t का स्क्वायर। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मैंने ये कहा था कि अगर मैं इसको x1 ऑफ t दूंगा सिस्टम को तो मुझे मिलेगा y1 ऑफ t, और वो किसके बराबर होगा x1 ऑफ t का स्क्वायर, क्योंकि सिस्टम क्या करता है इस t को t का स्क्वायर करता है, ऐसे x2 ऑफ t भी हो जाएगा ऐसे, फिर मैंने इन दो को ऐड किया वो आया a, मैंने इसको रखा a। दूसरे केस में मुझे क्या करना है, सिस्टम को दे देना है क्या x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, ये है सिस्टम। जब मैंने इसको ये दिया, ये जो ये ब्रैकेट वाले t है इनको स्क्वायर करेगा तो आउटपुट में क्या आएगा x1 ऑफ t का स्क्वायर प्लस x2 ऑफ t का स्क्वायर ये, और अगर मैं इसको रख लेता हूँ y डैश ऑफ t, हम बोल सकते हैं देखो y डैश ऑफ t है बराबर y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, therefore the system is linear। इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। सारे ओके गुड। अब अगर मुझे लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी चेक करना है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी सिंपल ही है, पहले केस में मैं इनपुट को करूंगा मल्टीप्लाई बाय तो मुझे आएगा के ऑफ एक्स ऑफ टी, फिर सिस्टम को दूंगा वो मिले मुझे मिलेगा एक्स ऑफ t का स्क्वायर। दूसरे केस में क्या करूंगा, x ऑफ t स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराऊंगा k से, वो भी आएगा k ऑफ x ऑफ t का स्क्वायर, दोनों केस में सेम है तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी फॉलो कर रहा है, सिस्टम हमारा लीनियर है। इतना समझ में आया, देखो जो मैंने पहला पार्ट करा है ना वहीं थे जो थी आख चीज याद, फॉर एग्जाम्पल पहला पार्ट मैंने कराया ना, जो पहला पार्ट था ना वो था x ऑफ साइन ऑफ t, ये y ऑफ t, दूसरा पार्ट था x ऑफ t स्क्वायर। देखो ये t को चेंज करें, होना चाहिए x ऑफ t, अब ये t की जगह पे साइन ऑफ t है, यहाँ पे t की जगह पे t स्क्वायर है, एक और पार्ट ले लेता हूं y ऑफ x ऑफ 2t, अब t की जगह पे 2t है, इसको हम बोलते हैं टाइम स्केल, या मान लो ऐसे y ऑफ t x ऑफ log ऑफ t है, मान लो अब मैंने t को चेंज किया, इसको हम बोलते हैं टाइम स्केलिंग। जब भी ये t चेंज किया होगा ना, सिर्फ यही t, मगर लेकिन सिर्फ यही t होगा, सिर्फ इस t को चेंज किया गया होगा, आप डायरेक्टली कह सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ जाता है ना, बताओ ये लीनियर है नॉन लीनियर है, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही दे रहे हो अभी तक,
तो अगर जब भी ये सिर्फ टाइम स्केलिंग हो गई हो, टाइम को चेंज हो गया होगा, तब आप डायरेक्टली कह सकते हो ये सिस्टम लीनियर है। जैसे हमने अभी दो पार्ट्स को प्रूव किया, इसको और इसको, इन दो को भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इन एनी केस अगर टाइम स्केलिंग है, एक्स ऑफ टी को टी की जगह पे कुछ और लिखा गया है, तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम हमारा लीनियर है। एक और क्वेश्चन करें कि बस गो क्लियर। हो गया क्लियर फातिमा? एक्स को चेंज करो आप, एक्स को चेंज करो आप, लाइक एक और। ओके चलो देख लेते हैं। कोई नहीं, देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। चलो उन्होंने कहा एक्स को चेंज करो, वाई ऑफ टी को मैंने लिया एक्स स्क्वायर टी के बराबर। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इनपुट में दे रहा हूं, अब एक्स स्क्वायर टी इनपुट को हो रहा है, अगर मैं इनपुट में एक्स ऑफ टी, टी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, अब आउटपुट में मिले मुझे मिला एक्स स्क्वायर टी। सर वो साइन ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस टू, कोई नहीं वो भी करा लेंगे, करना हो। देखो ये आया एक्स स्क्वायर टी, अब इसका क्या मतलब है? अगर भी आदिम एक्स वन ऑफ टी, ये मेरा सिस्टम है, अगर मैं सिस्टम को दूंगा तो मुझे आएगा एक्स वन का स्क्वायर ऑफ टी। दूसरे केस मैं दूंगा सिस्टम को एक्स टू ऑफ टी, मुझे मिलेगा, ठीक है, इन दो को ऐड करूंगा मैं, इसको मान लेता हूं ये वाई वन ऑफ टी है, ये वाई टू ऑफ टी है, तो वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी आएगा मेरा बराबर एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरे केस में मैं क्या करूंगा, सिस्टम को दूंगा एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी। देखो एक्स स्क्वायर टी का मतलब होता है असल में एक इथकिन, ये होता है इसका मतलब। अब जब मैंने इसको ये दिया ना इनपुट में, अब क्या हो जाएगा आउटपुट में? मुझे मिलेगा इनपुट का स्क्वायर एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी का होल स्क्वायर, ये मुझे मिला वाई डैश ऑफ टी। अब मैंने देखा कि ये जो है ये इसके बराबर नहीं है, एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर नहीं है बराबर एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी का होल स्क्वायर के बराबर, तो मैं कह सकता हूँ सिस्टम नॉन लीनियर है। इतना क्लियर है, चार्ट बॉक्स में लिखिए। ओके चलो अब जैसे फातिमा का क्वेश्चन है जो उन्होंने हमें पूछा था, लाइक क्या है, वाई ऑफ टी है बराबर साइन ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैंने x ऑफ टी दिया इनपुट में, ये मेरा सिस्टम है, तो मुझे आउटपुट में मिला साइन ऑफ x ऑफ टी प्लस टू। देखो एक तो x ऑफ टी, टी जो है वो चेंज हो गया टी प्लस टू में, और आउटपुट में बाहर साइन आ गया, इतना क्लियर है। आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल अब आप देख सकते हो, ये चाहे इनसे क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग से,
क्योंकि ये दूसरी बार हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बाद और एक चीज पढ़नी है। तो एक्स ऑफ टी हो गया चेंज हमारा साइन ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस टू में। इतना क्लियर है डायग्राम, समझ में आई? मेरे पास एक्स ऑफ टी था, ये जो ब्रैकेट में टी था वो चेंज हो गया टी प्लस टू में, और आउटपुट में साइन लग गया बाहर से। इतना क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन आवा समझ क्या छोड़ना? ठीक पूछो। वही अगर भैया दिमना, वही अगर मैं इसको दूं, सिस्टम को दूं एक्स वन ऑफ टी, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा साइन एक्स वन ऑफ टी प्लस टू, ये मेरा वाई वन ऑफ टी के बराबर। दूसरे केस में क्या करूंगा, सिस्टम को दूंगा एक्स टू ऑफ टी, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनको प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, 10:45 के बाद जिसने ज्वाइन किया वो शुक्र है एंटर, मगर मैं तो जून पर हम आए थे। तो ये आएगा साइन ऑफ एक्स टू ऑफ टी प्लस टू, और ये है मेरा वाई टू ऑफ टी। देखो क्या कर रहा है, एक तो ये मेरा इनपुट है, ये एक्स ऑफ टी, इसने साइन ऑफ इनपुट किया और अंदर जो टी है उसको टी प्लस टू किया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसने साइन ऑफ इनपुट किया और इनपुट में जो टी था उसको टी प्लस टू किया, वही मैंने यहां तक किया। वाई वन ऑफ टी और वाई टू ऑफ टी क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखी है। ओके अब मुझे क्या करना होता है, मैं वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी करूं, y1 of t plus y2 of t, वो आएगा साइन ऑफ x1 of t plus 2 plus साइन ऑफ x2 of t plus 2। अब दूसरे केस में क्या करूंगा, दूसरे केस में सिस्टम सेम है लेकिन अब इनपुट में है x1 of t x2 of t, ये सारा मेरा इनपुट है। आउटपुट में मुझे, मैं आउटपुट में मुझे मुझे क्या मिलता है, देखो साइन ऑफ इनपुट मिलता है, इनपुट क्या है, साइन ऑफ इनपुट, दैट मींस एक्स वन ऑफ टी और एक्स टू ऑफ टी, एक्स वन ऑफ टी और एक्स टू ऑफ टी, और वो क्या करता है, टी जहां पे होगा उसको टी प्लस टू करता है, वो मुझे मिला ये के बारे में। दिस इज साइन ऑफ दिस प्लस दिस, यहां पे मिला साइन इतना ये इतना। अखबार अगर मैं इसको ए ले लूं और इसको बी ले लूं, x1 into t plus 2 को a ले लूं, x2 into t plus 2 को b, तो इस केस में मुझे मिला sin a plus sin b, जो दूसरा केस है इसमें मुझे मिला sin a plus b, ये दोनों बराबर नहीं होते, इसीलिए ये हमारा सिस्टम नॉन लीनियर है। अब समझ में आया? ओके एक क्वेश्चन अभी मैं दे देता हूं आप लोगों को, वो उसके लिए मैं 2 मिनट दूंगा। आप मेरे पास क्वेश्चन है ऐसे, y ऑफ t इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स ऑफ t, मुझे बताओ सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर। और मुझे ये सेंड कर देना व्हाट्सएप। सेंड करो जरा व्हाट्सएप पे, कैसे किया बच्चीस।
किया लीनियर है या नॉन लीनियर बता दो। फातिमा नॉन लीनियर। किसमें भेजा है? 393 किसका नंबर है? थ्री नाइन थ्री किसका नंबर है? 393 लास्ट में जो है 393 कुछ। ओके बर्जीस करेक्ट है। साइका गलत। जो लोग नॉन लीनियर बोल रहे हैं वो गलत है। देखो मैंने पहले ही बोला इस इक्वेशन को समझो। मुझे एक्स ऑफ टी है इनपुट में, सिस्टम मुझे दे रहा है 2 टाइम्स x(t). मतलब अगर मैं सिस्टम को इनपुट दे रहा हूं इनपुट, मुझे आउटपुट में मिल रहा है 2 टाइम्स इनपुट। ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, जीरो थ्री थ्री भी ठीक है, शायद फैसल है ये। उसके बाद एक और स्टूडेंट है, जीरो क्वेश्चन करूं। देखो अब मैं वाई वन ऑफ टी निकालूंगा। वाई वन ऑफ टी क्या होता है? जब मैं एक्स वन ऑफ टी दूंगा इनपुट में, तो अगर मैं एक्स वन ऑफ टी दे रहा हूँ इनपुट में, आउटपुट में क्या आएगा? 2 टाइम्स x(1)t। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई वन ऑफ टी है मेरा 2 टाइम्स x(1)t। उसके बाद अगर मैं वाई टू ऑफ टी को चेक करूंगा वो आएगा 2 टाइम्स x(2)t। मुझे वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी आएगा 2 टाइम्स x(1)t प्लस 2 टाइम्स x(2)t के बराबर। ठीक है करेक्ट है। 933 जो रोल जिसके फोन में लास्ट है। अब दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में मैं इनपुट को दे रहा हूं। अब इनपुट मेरा है x(1)t प्लस x(2)t और आउटपुट क्या मिलेगा? 2 टाइम्स x(1)t प्लस x(2)t। उसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स x(1)t प्लस 2 टाइम्स x(2)t। ये दो आ गए बराबर, तो हम बोल सकते हैं सिस्टम लीनियर। एट थ्री एट जिसके नंबर में लास्ट है उसने पहले गलत किया, पाचन ठीक करमत। 107 जिसके हाँ ठीक है। ठीक है देखो मैं इंटरव्यू थी दो चीजें याद। देखो इससे पहले मैंने एक लाख आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था ओके ओके टाइम इनवेरियंट भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखो एक चीज याद रखना। पहली चीज मैंने बोला अगर हम करेंगे एक्स सॉरी वाई ऑफ टी मेरा है x(2)t x(sin)t x(cos)t x(t)2। ये जो सारे है ना ये लीनियर सिस्टम्स है। क्या है? लीनियर सिस्टम्स। अब हमने दूसरी एक चीज पढ़ी। मैंने इससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। फैसल म्यूट करो खुद को। एक्स ऑफ टी पहला केस जो मैंने कराया था x(t)(sin)t किया था मैंने, वो भी हमें लीनियर ही आया। उसके बाद वाई ऑफ टी अगर मैंने अभी किया था 2 टाइम्स x(t). अगर हम जो इनपुट है उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं या तो वेरिएबल से या तो कांस्टेंट है कांस्टेंट से, दोनों केसेस में लीनियर होगा। चाहे हम टाइम स्केलिंग करें इस टी को चेंज करें किसी से भी, या हम इनपुट को मल्टीप्लाई कराएं जैसे हमने इस केस में किया पहले केस में, इस केस में साइन ऑफ टी से मल्टीप्लाई कराया, दोनों केसेस में लीनियर। तो जब भी आपको आएगा अगर टाइम स्केलिंग हो रही है या आपको इनपुट को मल्टीप्लाई कराया गया है वेरिएबल या कांस्टेंट से, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये जो हमारा सिस्टम है वो क्या है वो है हमारा
लीनियर सिस्टम। एक और चीज दिखाता हूं फटाफट से, लास्ट का क्वेश्चन। एक मान लो आपको ऐसे दिया हुआ, जरा मुझे जल्दी ऐसे ही बता दो, एक्स ऑफ टी प्लस टू, मुझे बताओ ये लीनियर है या नॉन लीनियर। मिस चोर, 1 मिनट, मैं वही जल्दी से लीनियर के नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, वेरी गुड। परसों भी पढ़ाया, इसका क्या मतलब है, सिस्टम का मतलब है अगर मैं इनपुट दे रहा हूं तो मुझे मिल रहा है इनपुट प्लस टू सिस्टम। अगर मैं इसको अब दूंगा एक्स वन ऑफ टी, आउटपुट मुझे मिलेगा एक्स वन ऑफ टी प्लस टू, दैट इज वाई वन ऑफ टी। दूसरे केस में मैं सिस्टम को दूंगा एक्स टू ऑफ टी, आउटपुट मुझे मिलेगा एक्स टू ऑफ टी प्लस टू, ठीक है। इन दो को, वो मेरा वाई टू ऑफ टी है, इन दो को ऐड करूंगा, वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी, वो आएगा एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी, टू और टू हो गए 4 के बराबर, ये आया मेरा। दूसरे केस में मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट लेना है एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी, यू सॉरी इनपुट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट प्लस टू, दैट मीन्स आउटपुट आएगा एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी प्लस टू, यहाँ पे लेकिन प्लस 4 है, तो ये बराबर नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है, सिस्टम नॉन लीनियर है। इतना क्लियर हुआ, चैट बॉक्स में बोलिए। यू तो अच्छा क्लियर। और कोई डाउट लीनियर नॉन लीनियर में? आई डोंट थिंक आप, कोई डाउट रहना भी चाहिए। जिसको कोई डाउट है वो जरूर रिकॉर्डिंग देखेगा, रिकॉर्ड मैंने किया आज पूरा, परसों मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि बहुतों को कंफ्यूजन हुआ था। अब देखो ये हो गया। हाँ, अब आप ये भी जनरलाइज कर सकते हो, हाँ, कि अगर मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है, अगर आप प्लस ना कहती टर्म, चाहे वो कांस्टेंट, प्लस अगर प्लस में कोई भी टर्म है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, सिस्टम नॉन लीनियर ही रहेगा। अगर इसको इनपुट को कोई प्लस टर्म है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो साइन टी हो, चाहे वो क्या वाई डैश ऑफ टी, सैरिश अनम्यूट करके बोलो। बोल आवाज कम आ रही है? हाँ, वाई डैश ऑफ टी आएगा ना, एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी प्लस टू, क्योंकि सिस्टम है इनपुट देंगे तो इनपुट प्लस टू हो रहा है। हाँ सर, पूरा समझ नहीं आया, क्या? सिवाई वाला पार्ट जो मैंने आपको बोला था, एग्जाम्पल रिपीट कीजिए। कौन सी? वाई डैश टी का जो आपने लास्ट एग्जाम्पल दी वाई डैश टी? नई मीटिंग ज्वाइन करो, मीटिंग खत्म हो रही है। थी सर, आपने क्या ना टोटल y1 t y, हाँ ठीक है सर, मैं आपको फिर इनबॉक्स में बोलूंगी, और इसको करो ही ना, व्हाट्सएप पे करो। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर।